चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, पोम 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 पोम। अब अगर चक्का यानी के पहिया यानी के व्हील, इस पे अगर गाना याद आ ही गया है तो क्यों ना उसकी एक कहानी सुनी जाए। शाजिया की साइकिल में लगे चुन्नू मुन्नू पहिए ऐसे समझते थे कि वे अनोखे हैं। उन्हें नहीं पता था कि पहिए सब जगह होते हैं, मगर भले ही हमें नजर ना आए। कहानी का शीर्षक है नन्हे पहिए चले सैर को। ओरिजिनल स्टोरी अ बिग डे फॉर द लिटिल व्हील्स बाय चार्ल्स महाजन। हिंदी में अनुवाद किया है नागराज राव और चित्र बनाए हैं राई झकेरिया। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। एक सुंदर सुहानी सी सुबह बेहद जोश में आ गए नन्हे पहिए। उन्हें पहली बार बाहर निकलकर दौड़ने का इंतजार जो था, और आज वो दिन आ ही गया। उन्हें कल रात ही शाजिया के लिए दुकान से लाया गया था। वे चटक लाल रंग के थे और उनके बीचों बीच दो नन्हे घुंघरू लगे हुए थे। घुंघरू शाजिया की आपा ने लगाए थे। शाजिया को घुंघरू की छमछम बहुत भाती थी। वैसे उसे नाचने से नफरत थी, कम से कम उस तरह नाचने से जैसे नाचने को उस्ताद जी कहते थे। आज छठवीं सालगिरह पर उपहार में नई साइकिल पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए दो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से पहिए भी लगे हुए थे। इन छुटकों के लिए सड़क पर जाने के लिए रुक पाना भारी पड़ रहा था। उन बेचारों ने तो अभी तक सड़क की शक्ल भी नहीं देखी थी, मगर इस बारे में उन्होंने सुना बहुत था। दुकान में रखी पुरानी साइकिलों से सड़क के बारे में, वहां का यातायात, उधर की गर्द शोर शराबा, बजरी दर्द, भोपू की पौपों, गड्ढे वगैरह के बारे में बहुत कुछ सुना था, और साथ साथ इस बात की डींगे भी सुननी पड़ी थी कि सड़क पर चल पाना कितना मुश्किल, थकाने वाला और सिर्फ बड़ों के बस का काम है। परंतु इन बातों से चुन्नू मुन्नू का जोश जरा भी कम नहीं हुआ। उनके लिए तो सड़क पर जाना किसी साहसी कारनामों से कम नहीं था। शाजिया फराटे से गलियों में इधर उधर साइकिल दौड़ाएगी और साथ साथ वे भी गोल गोल घूमेंगे। हर चक्कर में घुंघरुओं को खूब खनकाएंगे और शाजिया को भी कभी गिरने नहीं देंगे। इंतजार की घड़ियों में खिलखिलाते हुए वे गाने लगे। हम पहिए है चक्के है चक्कम चक्के है, दुनिया भर में हम अनोखे चक्कम चक्के है। चुप कराने की कई कोशिशों के बाद भी वो चुप ना हुए। वे गाते रहे गाते रहे। जब उन्होंने 59वीं बार गाया तो सबने, यहां तक कि साइकिल के बड़े पहियों ने भी, एक दूसरे की आवाज में आवाज मिलाकर उन्हें जोर की फटकार लगाई। बस क्या हुआ, दोनों एक साथ बोल पड़े। कमरे में लगा पंखा बोला, हम सबके पास पहिए यानी चक्के हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए, इसलिए अपनी इस हम ही अनोखे चक्कम चक्के हैं ये वाली बकवास बंद करो। घंटी, जो कि अपने आप को साइकिल में लगी सुरीली आवाज वाली इकलौती चीज समझती थी, वो बोली, बंद करो अपनी ये बेसुरी रागिनी। मगर तुम्हारे पास तो पहिए है ही नहीं, चुन्नू मुन्नू ने छूटते ही पहले पंखे से कहा और फिर घंटी से बोले, और ना ही तुम्हारे पास है। तुम क्या समझते हो, पंखा बोला, मेरी मोटर में चक्के लगे हुए हैं, और जानते हो मेरे फलक कैसे घूमते हैं, ये बिजली से घूमते हैं जो कि बहुत सारे बड़े बड़े पहियों से पैदा की जाती है। घंटी बोली, और ट्रिन ट्रिन की आवाज मेरे अंदर के छोटे छोटे पहियों से पैदा होती है, और हम ऐसी मशीनों से बनाई जाती है जो बिना चक्कों के काम ही नहीं कर सकती, दीवार पर टंगी ट्यूबलाइट बोली।
तभी रोटी जो मेज पर रखे डब्बे में थी बोल पड़ी, अगर चक्की पर आटा नहीं पीसता तो मैं कहाँ होती। नींबू और आम के अचार बोल उठे, गोल गोल घूमने वाले रहट ना होते तो पेड़ कैसे सींचे जाते, और पेड़ ना सींचे जाते तो हम कहां से आते। साइकिल का बड़ा पहिया बोला, और ये साइकिल नहीं बन पाती। कोने में रखी सिलाई मशीन बोल उठी, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे अंदर कई पहिए हैं, लेकिन मैं कभी इस बात की शान नहीं बघारती। चुन्नू मुन्नू चुप तो हो गए, मगर कुछ ही मिनटों में उन्होंने दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया। हम सबके सब पहिए हैं, गोलम गोल पहिए हैं, दुनिया भर को नाच नचाते ऐसे तिलिस्मी पहिए हैं। फिर क्या था, सब एक जूट होकर गाने लगे। शाजिया ने नींद में ही गाने की आवाज सुनी, वो फटाफट उठी और दूसरों को भी जगा दिया। आखिर आज उसका जन्मदिन था और आज उसे अपने मन की करने का पूरा हक था। आनन फानन में छुटके पहिए, बड़के पहिए, समूची साइकिल, साइकिल पर बैठी शाजिया और उसके पीछे पीछे दौड़ती उसकी आपा, सब के सब बाहर आ गए और बजरी पर दौड़ने लगे। सारे पहिए सड़क पर सरपट दौड़ रहे थे। बच्चों कहानी तो यहां खत्म हुई। अब देखते हैं हर तरफ पहिए ही पहिए। अगर तुम इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो चारों ओर पहिए ही पहिए पाओगे। सारी ऐसी वस्तुओं की सूची बनाओ जिनमें पहियों का उपयोग होता है, घर में, स्कूल में, सड़कों पर। फिर अपने मम्मी पापा और टीचर से पूछकर इस सूची में और जोड़ते जाओ। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ, तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।